बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन हज़रात, आपकी ख़िदमत में अहकाम बयान करने जा रहे हैं जिसमें चावल, गोश्त, कूज़ा, अगर ये चीज़ें नजिस हो जाएं तो उनको किस तरीक़े से पाक किया जाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले ज़रूर सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर भी ज़रूर करें, सवाब का काम है। पहला सवाल, क्या कुत्ते के बर्फ़ पर चलने से बर्फ़ नजिस हो जाएगा? जवाब, सिर्फ वही हिस्सा नजिस होगा जहां कुत्ते का पैर पड़ा हो। दूसरा सवाल, अगर खाना पकाते हुए खून गिर जाए तो क्या हुक्म है? जवाब, मसला नंबर 100, अगर खाना पकाते हुए खून का एक ज़र्रा भी उसमें गिर जाए तो सारे का सारा खाना और बर्तन एहतियात लाजिम की बिना पर नजिस हो जाएगा। उबाल, हरारत और आग उन्हें पाक नहीं कर सकते। तवज्जो, मसला नंबर 186, अगर गोश्त और चर्बी नजिस हो जाए तो दूसरी चीज़ों की तरह धोई जाएगी। इसी तरह अगर नजिस बदन का या लिबास या बर्तन पर कम चर्बी हो जो पानी के पहुंचने में माने ना हो तो दूसरी चीज़ों की तरह इनको भी पाक किया जाएगा। तीसरा सवाल, अगर चावल, गोश्त या इसी तरह की चीज़ों का ज़ाहिरी हिस्सा नजिस हो जाए तो कैसे पाक किया जाए? जवाब, मसला नंबर 231, अगर चावल, गोश्त या इसी तरह की चीज़ों का ज़ाहिरी हिस्सा नजिस हो जाए तो उसको पाक प्याले या इस तरह की चीज़ में रखें और उस पर एक मरतबा पानी डालें और ख़ाली करें, अगरचे कलील पानी ही क्यों ना हो, यानी एक लोटे में पानी हो तो वो पाक हो जाएगा और बर्तन भी तबीयत की बिना पर पाक हो जाएगा। और अगर नजिस बर्तन में रखें तो कलील पानी से और एहतियात वाजिब की बिना पर कुर और जारी पानी से भी 3 मरतबा इस काम को अंजाम दें तो इस सूरत में बर्तन भी पाक हो जाएगा। कुर पानी जिसकी मकदार 377 किलो वज़्र में होनी चाहिए तकरीबन, और जारी पानी जो होता है जैसे नदी का, तालाब वगैरह। चौथा सवाल, कूज़ा या कोई दूसरा बर्तन जो नजिस मिट्टी से बना है उसे कैसे पाक किया जाए? जवाब, मसला नंबर 166, कूज़ा या कोई दूसरा बर्तन जो नजिस मिट्टी से बना है उसमें नजिस पानी सरायत कर गया है, नजिस पानी उसमें चला गया है, अगर उसे कुर या जारी पानी में रखें तो जहाँ तक पानी पहुँचेगा पाक हो जाएगा, और अगर उसके अंदर के हिस्से को पाक करना हो तो उसे कुर या जारी पानी में इतनी देर तक पड़े रहने दें कि पानी तमाम जगह पहुंच जाए, और अगर बर्तन में कोई ऐसी रतूबत हो जो पानी के अंदर पहुंचने में माने हो तो पहले उसको खुश्क करें, उसके बाद कुर या जारी पानी में डाल दें, यानी एक हाउज़ में या तालाब वगैरह में डालकर उसको छोड़ दें ताकि पानी तमाम जगह पहुंच जाए। पांचवा सवाल, तनूर पानी का हाउज़ अगर नजिस हो जाए तो कैसे पाक किया जाए? जवाब, मसला नंबर 169, तनूर पानी का हाउज़ और उसके मिसल चीज़ें बर्तन का हुक्म नहीं रखती, इस बिना पर एक मरतबा धोने से पाक हो जाती हैं, और अगर तनूर या पानी का हौज़ में कोई ऐसा सुराख ना हो जहां से पानी बाहर हो जाए और पानी उसकी तह में जमा हो जाता है,
अगर उसे कलील पानी से पाक करना चाहे तो उसको पाक करने के लिए जमा हुए पानी को कपड़े या स्पंज या बर्तन और उसके मानिंद किसी चीज़ से बाहर निकालें, यानी बर्तन के ज़रिए या कपड़े के ज़रिए से उस पानी को पहले बाहर निकालें फिर उसको पाक किया जाए। तवज्जो, मसला नंबर 205, मिट्टी का कूज़ा और उसके मानिंद दूसरी चीज़ें जो नजिस मिट्टी से बनी हो। एक मिट्टी का बर्तन जो नजिस मिट्टी से बना हो, नजिस है, लेकिन वो कोयला जो नजिस लकड़ी से बना हुआ है, क्योंकि उसमें लकड़ी की कोई भी खासियत नहीं पाई जाती है, पाक है। और नजिस मिट्टी आग की वजह से ईंट या ठीकरे में तब्दील हो जाए तो एहतियात वाजिब की बिना पर नजिस है। चूँकि बाज़ अफराद ये ख्याल करते हैं जो नजिस मिट्टी थी उस मिट्टी को आग में पकाया जाने की वजह से वो पाक हो जाता है, दरअसल ऐसा नहीं है, वो वैसी ही रहेगी, नजिस है। जैसे लकड़ी जलकर राख हो जाती है तो वो पाक हो जाएगी चूँकि उसकी असल बदल जाती है। अगर बर्तन नजिस मिट्टी से बना है चाहे आग में पकाया जाए तब भी नजिस रहेगा, वो पाक नहीं होगा। आप हजरात ये वीडियो दूसरों तक शेयर ज़रूर करें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।